नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपना असाइनमेंट जो पेपर है उसको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो असाइनमेंट कॉपी होती है साथियों, आपको असाइनमेंट कॉपी कहाँ पर मिलेगी, और भी जो इससे रिलेटेड यानी असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट है, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आप आज हम साथियों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने यदि आप पूरी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथियों, आपको बता दें, ये जो आपकी असाइनमेंट कॉपी होती है, क्या होती, जो आपका ये असाइनमेंट कॉपी होगा, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी साथियों आपको SD सेंटर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? SD सेंटर द्वारा। और यदि आपको SD सेंटर द्वारा आपको असाइनमेंट कॉपी नहीं दी जाती है तो आप A4 साइज का पेपर लेकर, A4 साइज़ की आप कॉपी लेकर उसमें आप अपना असाइनमेंट क्या कर सकते हैं, लिख के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट कॉपी होगी, असाइनमेंट कॉपी आपको जो आपके जो अध्ययन केंद्र, जो आपका कॉलेज है जहाँ से साथियों आपने एडमिशन लिया है, वहीं से आपको असाइनमेंट कॉपी दी जाती है। और यदि आपको वहाँ से असाइनमेंट कॉपी नहीं जाती है तो भी वो जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि आप A4 साइज का कॉपी लेकर उसमें अपना असाइनमेंट जो है लिख कर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और असाइनमेंट पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, देखिए असाइनमेंट पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली जो है UPRTOU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप ओपन करेंगे, UPRTOU.ac.in। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो के आएगा, और देखिए यहाँ पे ऊपर ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाएगा एग्जामिनेशन का, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको असाइनमेंट पेपर का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ देखें तीसरे नंबर पर, सिंपली आप इसी पर क्लिक कर देंगे। और इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा। जब साथियों आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आएगा तो यहाँ पर देखिए जो आपका असाइनमेंट पेपर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो MA है, MA MCOM का, MA GMC का, यानी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं उनके सारे असाइनमेंट पेपर आपको यहाँ पर देखने पर मिलेंगे। और जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम जितना है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम का जितना असाइनमेंट पेपर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिप्लोमा प्रोग्राम का अभी कोई भी असाइनमेंट पेपर नहीं जारी हुआ है। इसके अलावा यदि आपका एकल विषय सिंगल सेमेस्टर का जो असाइनमेंट पेपर हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, अवार्डनेस और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। तो जिसका भी आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि आपने BA हिंदी से एडमिशन लिया, फिर MA हिंदी से, या फिर MA पॉलिटिकल साइंस के एडमिशन लिया है, तो हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे MA पॉलिटिकल साइंस का होता है MAPS, ये क्या है, MA पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कोड है। MA हिस्ट्री का है MAHY, ठीक है। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही सब्जेक्ट कोड होता है। इस सब्जेक्ट कोड को आप नोट करके रखेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे आके अपना असाइनमेंट पेपर खोजेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए MAPS दिया गया है, ये आपका MA पॉलिटिकल साइंस का क्या है असाइनमेंट पेपर है। आपको इस पर ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से PDF अपने साथियों डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका आप प्रिंट निकालेंगे। इसका प्रिंट निकाल के यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि आप नीचे आएंगे, ये जो आपका असाइनमेंट कॉपी है, असाइनमेंट जो आपका ये पेपर है, ये आपका 30 नंबर का एक पेपर है, एक पेपर आपका 30 नंबर का है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया, और निर्देश में आपको बताया गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपके लघुत्तर प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक आपके क्या है, दीर्घोत्तर प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 200 से 300 और 500 से 800 शब्दों में लिखने होंगे। और एक पेपर जो आपका होगा वो आपका 30 नंबर का होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकाल के यहाँ पे देखिए जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं ऊपर, लिखने के बाद नीचे आप उसका क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। और उत्तर आपको क्या पर मिलेगा, उत्तर जो आपको जो जो आपकी बुक होगी एडमिशन लेने के बाद, जो आपके बुक आती है आपके पास, उस बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यदि वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके इसके आंसर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, और लिखकर अपने कॉलेज, अपने संस्था में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया वहाँ पर आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट, कोई सवाल रह गया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।